हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज भाई मैं एक तवा उड़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो भाई बहुत बढ़िया हवा चल रही है, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। और पतंग देख लीजिए, पतंग ये होने वाली है, ठीक है दोस्तों। आपने पतंग को देख लीजिए, बड़ी पतंग होने वाली है। अब दोस्तों इसको दिखाते हैं आपको उड़ा करके और पैंच चढ़ा करके, कितना तहलका मचाती है बड़ी पतंग है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम कुछ ट्रिक भी जानेंगे पतंग काटने के बारे में, ठीक ना। अगर चैनल पे नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, मेरी न्यू अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों उड़ाते हैं, दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों पतंग को करते हैं पार। और आज हवा भी बहुत अच्छी है और थोड़ा सा कन्नों में दिक्कत आ रही है, कन्ने को थोड़ा सुधारते हैं और फिर अपनी पतंग को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते हैं। और फिर आपको हमें ट्रिक भी सिखानी है दोस्तों। एक तवा उड़ाने का मतलब ये है कि अगर आपको ढील के पैंच करने हैं और 500 मीटर 600 मीटर 700 मीटर की दूरी पे ले जा करके करने हैं, तो जब आप एक तवा का यूज़ करें, ठीक है ना। तो भाई डोर ज़्यादातर लोग मोनोफिल गोल्ड ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई कॉटन में कोई सा भी मांजा ले लीजिए आप, 123 पे या 8400 पे, वो भी बहुत अच्छा काम करता है एक तवा में। अभी मैं दोस्तों डरपेंजर का पैराडाइज वाला जो ब्रांड है वो वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी आपको उड़ा करके दिखाता हूँ क्योंकि वो 0.28 mm में है। तो दोस्तों हमारा पहला पैंच आ गया है, ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है और ब्लू सर्कल में अपोनेंट की है। तो दोस्तों मैं ये वाला जो पैंच है ऊपर से बनाने वाला हूँ, वो भी फंसा करके लड़ाने वाला हूँ। अब मैं आपसे ये कहता हूँ दोस्तों, बहुत से भाई कहते हैं कि आप दूसरों के पैंच दिखाते हो, तो भाई मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि वो मेरे वीडियो से दूर रहे, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे लोगों की मुझे कोई नीड नहीं है। तो दोस्तों अगर आप एक तवा यूज़ कर रहे हो, डेढ़ तवा यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे में अगर आपने ढील का पैंच नहीं लड़ाया वो भी ऊपर से, तो आपने सच में बता रहा हूँ कुछ नहीं करा, टाइम पास कर रहे हो। जैसे कि मैंने ये ऊपर से पैंच डाल दिया है, चक्कर चल रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, पूरा बेहतरीन तरीके से पैंच फंसा दिया है। अपोनेंट ऊपर की तरफ है, इसको मौका ही नहीं मिल रहा कि ये बंदा करे तो करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में मतलब 20 से 30 सेकंड लगेगा इसको काटने के लिए। और जो मांझा यूज़ कर रहा हूँ मैं, पैराडाइज का मांझा यूज़ कर रहा हूँ 0.28 mm वाला, डरपेंजर कंपनी का ही ब्रांड है। ये देखिए दोस्तों मैंने उस अपोनेंट की पतंग काट दी है, वो मारा लगा तो साफ। ये होती है भाई पावर मांझे की। अगर आप एक अच्छा मांझा यूज़ कर रहे हो दोस्तों, तो आपको सच में भाई बहुत ही कम टाइम लगने वाला है दूसरे अपोनेंट की पतंग काटने के लिए। तो भाई अच्छा मांझा यूज़ किया करो। तो ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की है। माइंड स्ट्रेटेजी पहले से ही मैंने फिक्स कर रखी है, ऊपर का ही पैंच बनाना है, वो भी फंसा करके। ये मैंने ऊपर से पैंच बनाया और कंटिन्यू मेरे पतंग में चक्कर लग रही है। दोस्तों फ़ायदा मिलता है अगर हम डेढ़ दवा यूज़ कर रहे हैं, एक दवा यूज़ कर रहे हैं, तो ऊपर का ही पैंच बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हम दूसरे अपोनेंट की पतंग को ज़्यादा काटने के, ठीक है ना। कंटिन्यू चक्कर चल रहे हैं और ये देखिए दोस्तों हमने उसकी पतंग काट दिया, वो हमारा। और भाई आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, उसकी पतंग मेरी पतंग में लटक गई है बहुत बुरी तरीके से। अब ऐसे में करे तो करे क्या, बहुत से भाई पूछते हैं। तो ऐसे में अपनी पतंग में हल्का सा भर्रा मारी और अपनी पतंग को घुमाना शुरू कर दीजिए, उसकी पतंग ऑटोमेटिकली निकल जाएगी और आपकी पतंग बच के सीधी आसमान में खड़ी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों उसकी पतंग निकल चुकी है और मेरी पतंग वापस से बच गई है। वाओ, चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसमें खींच मार के दिखाता हूँ, ठीक है ना। ब्लू सर्कल में अपोनेंट है और रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ठीक है ना। मैं ऊपर से जा रहा हूँ, ऊपर से गया भाई और बाहर की तरफ तेज़ी से खींचिए दोस्तों। ये देखिए किस तरीके से उसकी पतंग काटी है, लहरा दी है भाई हवा में बहुत ही शानदार तरीके से। तो भाई ऊपर से बहुत ज़्यादा रिस्की होता है वैसे। तो चलिए दोस्तों अगला पैंच आता हुआ, रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की है। तो दोस्तों इस वाले पैंच में देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। भाई एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि पैराडाइज जो 28 mm में है, डरपेंजर कंपनी का ब्रांड, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है इस वाले मांझे ने। ढील में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है और खींच में भी। ज़्यादातर मैंने इस वाले मांझे को ऊपर के पैंचों में यूज़ किया है, तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा नीचे के पैंच में सोच रहा हूँ कि अगर नीचे का पैंच बनता है तब क्या होता है, ये वैसे ही परफॉर्मेंस देता है या नहीं देता है। तो बहुत से सवाल हैं आप लोगों के दिमाग में भी, मेरे दिमाग में तो अक्सर रहती है। मैं तो एक्सपेरिमेंट करता ही रहता हूँ और वो ही एक्सपेरिमेंट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों ओपोनेंट ऊपर की तरफ आ गया, मैं नीचे की तरफ चला गया हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पैंच होने वाला है। ओपोनेंट ने भाई ऊपर का पैंच बना दिया है फंसा करके और कंटिन्यू अपनी पतंग में चक्कर पे चक्कर दिए जा रहा है। अब मैंने भी अपनी पतंग में चक्कर देने स्टार्ट कर दिए है दोस्तों। बात को समझिए, अगर मैं यहाँ पे चक्कर देने स्टार्ट नहीं करता तो अपोनेंट मेरी कहकर ले लेता,
आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो आपको भी कंटिन्यू चक्कर देने हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपके चक्कर देने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, फिर आपको अपनी पतंग को उठाना पड़ेगा। और ऐसे ही मैंने किया दोस्तों, ये देखिए जैसे मैंने अपने पतंग को रोका और उसकी पतंग तुरंत साफ, वो मारा, गजब के पैंच थे दोस्तों, एक नंबर के पैंच, ये देखिए दोस्तों मजा आ गया भाई इस वाले पैंच में तो, भाई जबरदस्त मांजा है यार, ऊपर से भी नीचे से भी कहकर ले रहा है, जबरदस्त एक नंबर। तो दोस्तों देख लिया आपने एक तवा का मजा, तो भाई जबरदस्त कैच होते हैं जब हम बड़ी पतंग उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं तो रिकमेंड आपको ये करता हूँ, अगर आप लोग टूर्नामेंट की पोना पतंग उड़ाएं, ठीक है ना, तो वो आपके लिए बेस्ट है। बड़ी पतंगे मानता हूँ कि बढ़िया होती है लंबे पैंचों के लिए, ठीक है ना, लेकिन भाई हाथ बहुत काटती है, तो थोड़ा सा अगर आपका बजट नहीं बनता क्योंकि कॉस्टली तो होती है, तो आप पोना पतंग उड़ा सकते हो, ठीक है ना, टूर्नामेंट वाली, वो काफ़ी अच्छी पतंग होती है, वो बड़ी पतंग को काटने की क्षमता रखती है। बस आज का वीडियो मुझे इसलिए बनाना था कि आपको दिखाना था बड़ी पतंग का कमाल कैसा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जाता फेस्टिवल पे, खास फेस्टिवल पे बड़ी पतंगें उड़ाता हूँ, और दिन मैं उड़ाता हूँ टूर्नामेंट वाली पतंगें जहाँ पे मुझे खींच वगैरह तब की चुस की और भी बहुत सी टेक्निक होती है उनको यूज़ करना होता है, तो उसमें मैं टूर्नामेंट काइट यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो देख करके मुझे कमेंट में बताना, मज़ा आया। और भाई चैनल पे नहीं हो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना, क्या कह रहे हो शक्ल काली होगी, भाई तुम्हारे लिए मेहनत करते हो शक्ल तो काली होगी। तो दोस्तों मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।